हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज और एक रेसिपी लेके आ गई हूँ। ये है पनीर चिली। ये होममेड पनीर से मैंने बनाया है ये पनीर चिली। तो आप देखिए, ये जो होममेड पनीर है ये कितना अच्छा बना है। इसका रेसिपी मैं जल्दी शेयर करूँगी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा और बहुत ही सॉफ्ट बना है। अभी मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। तो आप देखिए कितना अच्छा बना है ये पनीर। तो ये बहुत ही सॉफ्ट बना है। तो अभी हमें क्यूब क्यूब करके काट लेना है। अभी इसमें ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और डाल देंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे इसमें। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें। हल्के हाथों से हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए, हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है तो थोड़ा सा पनीर के ऊपर कोटेड भी हो जाए और पनीर थोड़ा सा फ्लेवरफुल भी हो जाए। तो अभी एक कढ़ाई लेना है। कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म होगा इसमें हमें डाल देना है पनीर। 2 बैचेस में हमें पनीर को फ्राई करना है। एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और हल्का सा फ्राई करके हमें इसको एक बर्तन में रख देना है। तो आप देख सकते हैं हल्का सा फ्राई हो गया है पनीर। अभी देखिए, जो पनीर है वो बहुत अच्छा से फ्राई होकर रेडी हो गया है। और जो ऑयल था थोड़ा ज़्यादा था, तो मैं थोड़ा सा ऑयल उठा के एक बर्तन में रख दिया था। उसके बाद हमें जो ऑयल है अच्छा से गर्म करने के बाद फ्लेम को हाई रखेंगे। और हाई रखने के बाद इसमें डाल देंगे चॉप किया हुआ गार्लिक, चॉप किया हुआ जिंजर। डालने के बाद हमें 3 या 4 सेकंड के लिए हल्का सा फ्राई कर लेना है। ज़्यादा नहीं करना है, मतलब गार्लिक को जलाना नहीं है। हल्का सा हमें फ्राई करने के बाद इसमें डाल देंगे ऑनियन। ऑनियन देखिए मैं ऐसे करके काट लिया था। तो वो डालने के बाद हमें थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। और ग्रीन चिली आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चॉप ग्रीन चिली मैंने ये इधर ऐड किया है। तो अगर बच्चे लोग खाएंगे तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं। तो अभी इसमें डाल देंगे कैप्सिकम और रेड येलो बेल पेपर मेरे पास था तो मैं वो भी डाल दिया, क्योंकि बच्चे लोग को बहुत अच्छा लगता है। कोई भी चीज़ थोड़ा सा कलरफुल होने से हमें भी अच्छा लगता है और बच्चे लोग को भी बहुत ही अच्छा लगता है। अभी इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून टमेटो केचप, 1 टीस्पून मैंने इधर रेड चिली सॉस ऐड किया है और डालेंगे 1 टीस्पून डार्क सोया सॉस। तो मैंने डार्क सोया सॉस यूज़ किया है। आप लाइट सोया सॉस अगर यूज़ करना चाहते हैं तो उसी टाइम में आपको ऐड करना है 1 टेबलस्पून। अभी इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून विनेगर। डालने के बाद हमें बहुत अच्छा से मिक्स कर लेना है। कम से कम 10-12 सेकेंड के लिए हमें अच्छा से मिक्स कर लेना है। अभी इसमें डाल देंगे 1/2 कप पानी। तो पानी आपने हिसाब से डालिए, मैंने इधर 1/2 कप डाला है। आप चाहे तो 1 कप भी पानी डाल सकते हैं। तो पानी देखिए बॉयल होना जैसे ही शुरू हो जाए इसी टाइम में हमें ऐड करना है सॉल्ट एंड शुगर। शुगर थोड़ा डालने से ना इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप ज़रूर डालिए। सॉल्ट एंड शुगर डालने के बाद हमें इसमें डाल देना है ब्लैक पेपर और बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमें कॉर्नफ्लावर का मिक्स रेडी करना है। तो मैं पहले से रेडी करके रख दिया था। तो कॉर्नफ्लावर मिक्स के लिए मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर में 3 टेबलस्पून पानी डाल के बहुत अच्छा से मिक्स कर लिया था। और बॉयल होने के टाइम जब जैसे बॉयल्ड होगा ना, थोड़ा थोड़ा करके हमें जो कॉर्नफ्लावर का मिक्स है इसमें डालना है। एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हमें डालना है। तो देखिए अभी ग्रेवी जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इसी टाइम में हमें इसमें जो फ्राई किया हुआ पनीर था वो ऐड कर देंगे और बहुत अच्छा से हमें मिक्स कर लेना है। तो मिक्स करने के बाद हमें 1 मिनट के लिए अच्छा से कुक कर लेना है। और उसके बाद इसमें डाल देंगे चॉप किया हुआ धनिया पत्ता। मुझे इसमें धनिया पत्ता का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर डालिए, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें गैस को बंद कर देना है। अभी देखिए टेस्टी और बहुत ही यम्मी पनीर चिली रेडी हो गया है। आप रोटी पराठा के साथ सर्व कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लग रहा है मेरा रेसिपी तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलें।